हेलो गाइस, मैं हूँ निवेदिता और ये मेरा फर्स्ट व्लॉग है। एंड द वीज़ा की न्यूज़ कुछ ये है कि सैड न्यूज़ है। मेरा वीज़ा जो है वो अभी भी आज भी नहीं आया। आज 3 तारीख है और ईद के पहले दिन, वैसे मुझे न्यूज़ मिली थी कि ईद के बाद से वीज़ा नए वैसे बनने स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन वो एक दिन पहले ही हो गया था। तो मैंने अप्लाई कर दिया है और बस तब से मैं वेट ही कर रही हूँ। अभी 3 तारीख है, आज पूरा होप्स था कि आज वीज़ा आ जाएगा। तो सुबह से मैं प्रतीक के मैसेज का ही वेट कर रही थी, हर मैसेज पे देखती थी कि शायद अब वीज़ा वाला मैसेज होगा, बट मेरा वीज़ा आज भी नहीं आया है। अब ऐसा लग रहा है कि अब पेशेंस ही नहीं है, क्योंकि 6 महीने हो गए मैं और प्रतीक, मेरा जो हस्बैंड है, हम लोग एक दूसरे से दूर हैं 6 महीने से। और हर दिन मैं वेट कर रही हूँ कि कब मेरा नया वीज़ा बने और मैं जा सकूँ। गाइस, मैं यहाँ आ गई थी जनवरी में और मार्च में मेरा वापस अबू धाबी जाने का प्लान था। प्रतीक ने दुबई से अबू धाबी अपनी जो जॉब है वो स्विच कर ली है, तो फिर हमारा पुराना वीज़ा कैंसिल हो गया और अब नया वीज़ा बनने का टाइम था मार्च में, और तब मुझे वापस जाना था, लेकिन कोरोना ने सब गड़बड़ कर दी और कोरोना की वजह से तब से लॉकडाउन है और मैं यहीं स्टक हूँ। हम दोनों एक दूसरे से दूर हैं और अब हमारे में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं है वेट करने का। हम लोग रोज़ वेट कर रहे हैं और बस अब वीज़ा बन जाए फटाफट। उसके बाद भी बहुत सारी चीज़ है, अप्रूवल मुझे लेना है और कोरोना टेस्ट की नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी है, उसके बाद ही मैं फ्लाई कर पाऊँगी। फिर से कल का वेट करना पड़ेगा। वेट करते करते आज मुझे थोड़ा चेंज फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि मैं अपनी फ्रेंड से मिलने आई हूँ और बहुत टाइम बाद मैंने मॉल देखा है, तो मैं इससे मिलने आई हूँ। ये है मेरी फ्रेंड, हाय पूजा। और आज वाकई में ऐसा लग रहा है जैसे जान में जान आ गई हूँ। कितने टाइम बाद मिले हो? ऑलमोस्ट आफ्टर 1 ईयर। बहुत टाइम बाद हम लोग मिले हैं। गर्ल जिससे मैं 24/7 बात कर सकती हूँ और फिर भी मेरी बातें खत्म नहीं होती। आफ्टर अ लॉकडाउन इतने दिनों बाद मॉल आना ना, वाकई में बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हम लोग मैक्स में आ गए हैं, मुझे थोड़ी सी कुछ शॉपिंग करनी है। इसमें कुछ अच्छा नहीं लगा, अब हम जा रहे हैं रिलायंस फ्रेंड्स, राइट? यस। और टैटू का पूछने भी जा रहे हैं। ओवर जो मिलने की खुशी है ना इतने टाइम के बाद, लिटरली इट्स अमेजिंग। कोरोना काल में वो भी थोड़ा सा रिलैक्स मिला, 3 महीने के बाद मुझे 6 महीने के बाद। बारिश में भीग रहे हो? और ये है मेरा नेफी निर्वेद, मेरे को इससे बहुत 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 ज़्यादा प्यार है। सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे आने की एक्साइटमेंट रहती है वो इसी की वजह से रहती है। और अभी जो ये टाइम चल रहा है मैं वेट कर रही हूँ अबू धाबी वापस जाने का, तो इस टाइम मेरा इसी की वजह से मन लगा हुआ है। अभी हम कहाँ जा रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं साई बाबा के मंदिर, जिससे मेरा जल्दी वीजा आ जाए। इट्स अ जोक, एक्चुअली ऐसे ही जा रहे हैं। सो हम पहुँच गए हैं यहाँ पे ग्वालियर की साई टेम्पल में, और ये एटमोसफियर और ये जो सॉन्ग चल रहा है बहुत अच्छा फील करा रहा है। हे सो गाइस,
गाइज, ये था मेरा फर्स्ट व्लॉग और नेक्स्ट व्लॉग मैं बनाऊंगी जब मेरा वीज़ा आ जाएगा और आगे बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए मेरा चैनल और व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइए कमेंट करके और लाइक एंड शेयर कर दीजिए।